नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तोड़ विषय हिंदी अपने एक थी छ गद्य ने पद्य अभ्यास करो। तो आज विद्यार्थी मित्रों अपने पद्य नंबर सात नो अभ्यास करीश। पद्य नंबर सात विषय हिंदी सूरदास के पद। उस पद्य के कवि हैं सूरदास, कवि श्री सूरदास, भक्त कवि श्री सूरदास, साहित्य प्रकार है पद। तो उसमें यानी कि उस पद्य के कवि हैं कवि श्री सूरदास। सूरदास ने अपने काव्यों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में सविस्तार परिचय दिया है। जो हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो उन्हीं के श्रद्धा के तहत भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया है कि गोरोचन तिलक लगाई भगवान श्री कृष्ण सुशोभित यानी कि अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। सूरदास ने अपने सूर सागर ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति यानी कि कृष्ण लीला और भगवान श्री कृष्ण संबंधित पदों की रचना की है और इनके माध्यम से उन्होंने लोगों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था रखने की जब भावना जगाते हैं। तो सूरदास के पद कवि श्री सूरदास, महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना था कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है, यानी कि सूरदास जन्म से अंध थे तो वही भी विवादास्पद है। क्यों विवादास्पद है कि जो व्यक्ति अंध है, दिख नहीं सकता, तो इतने बड़े साहित्य की रचना नहीं कर सकता। सूर सागर जैसा भगवान श्री कृष्ण के भक्ति वाला ग्रंथ नहीं लिख सकता। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भक्त कवि सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय थे। वात्सल्य वत्सलता, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस के वर्णन में वह अद्वितीय थे। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। सूरदास का मन है यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बिना सुख नहीं पाता। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो वे और देव की आराधना करने राजी नहीं होते। आराध्य देव का गुणगान सूर ने के किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन सूरदास ने किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन सूरदास ने अपने सूरदास के पद नामक पद्य में किया है। पहला पद्य है वह विनय तथा भक्ति नामक ग्रंथ में से लिया गया है। तो सूरदास कहते हैं कि मेरी मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन है कहाँ कहाँ जाकर सुख पावे, मैं किस किस देवता की भक्ति करूँ, किस देवता की पूजा करूँ, क्या पूजा का अर्चन रे, उस मन मंदिर तेरा एक ही पूजा करूँ, एक ही सेवा करूँ, एक ही पूजा एक ही अर्चना। मेरी मन अनंत यानी कि अन्यत्र दूसरी जगह कहाँ जाए, कहाँ सुख पाए, कहाँ मैं जाकर सुख प्राप्त करूँ, चैन से पावे यानी कि प्राप्त करूँ। सुख शब्द का विरोधार्थी होगा दुख। तो मैं किस किस जगह पर जाऊँ और कहाँ जाकर सुख प्राप्त करूँ। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, जिस तरह जहाज पर उड़कर पंछी दूसरे जहाज पर जाता है किंतु अपने जहाज पानी में फिरने वाला नाव जहाज का जो सुख है वह दूसरे जहाज पर नहीं मिलता। जैसे एक पंछी जहाज पर उड़कर पंछी यानी कि खग, तो वह खग वह पक्षी पंखी दूसरे जहाज पर जाता है, अपन को पहले जो पुराना जहाज है ऐसा सुख दूसरे जहाज पर नहीं मिलता। और फिर से वह पंखी उड़कर अपने
जब जहाजे वह अपने जहाज पर आकर बैठ जाता है, फिर जहाज पर आवई कमल नयन को छोड़ी महातम और देव को धावई। मैं कमल के समान नेत्र वाला भगवान कृष्ण, कमल नयन कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर महातम यानी कि महिमा महातम श्रेष्ठ और देव को धावई। मैं किस देव के पास धावई यानी कि दौड़ू, मैं किसके किस देव के पास जाऊँ, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर महान भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किस देव के पास जाऊँ, धावई यानी कि जाऊँ। देव यानी कि देवत्व, देव सुर यानी कि देवता समानार्थी, वो उन शब्द का विरोधार्थी होगा देव यानी कि दानव। मैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर उनकी भक्ति छोड़कर किस देव की पूजा अर्चना करूं, क्या पूजा क्या अर्चन रे। परम गंगा को छोड़ी पियासु दूरमति कुप खनावे, परम यानी कि श्रेष्ठ पवित्र गंगा जल को छोड़कर, गंगा नदी को जल के यानी कि पानी को छोड़कर थोड़ी त्यज कर पियासो यानी कि प्यासा पानी का प्यासा, दूरमति यानी कि मूर्ख, दूरमति यानी कि मूर्ख, दूरमति शब्द का विरोधार्थी होगा सज्जन संत विद्वान। दूरमति वाला मनुष्य कुप खनावे, कुप यानी कि कुआ, खनावे यानी कि खुदाई करता है। यह दुर्बुद्धि वाला मनुष्य, दुष्ट मनुष्य, मूर्ख मनुष्य पवित्र गंगा जल को छोड़कर, गंगा नदी के पानी को छोड़कर कुप का कुएं की खुदाई करता है। तो ऐसे मैं गंगा नदी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करूंगा। जिही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करेले फल भावे, जिही जिस मधुकर यानी कि भ्रमर पौराने अम्बुज यानी कि कमल सरोज, जब भ्रमर ने भौराने कमल का रस का पान किया है तो वह कमल के रस को छोड़कर जिसने चाख्यो यानी कि चखा है तो वही कमल के रस को छोड़कर करिल यानी कि एक प्रकार का कंटीला पौधा, तो वह करिल का फल खाने के लिए दूसरी जगह नहीं जाता, तो उन भौरों को करिल का फल नहीं भाता, नहीं अच्छा लगता। इस तरह सूरदास प्रभु भक्त कवि सूरदास प्रभु ईश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कामधेनु, कामधेनु यानी कि कामधेनु इसे कहते हैं कि देवलोक की वह गाय जो लोगों को इच्छा के अनुसार फल देती है, इच्छा के अनुसार फल देती है या लोगों की इच्छाएं पूर्ण करती हैं, तो इच्छाएं पूर्ण करने वाली गाय यानी कि भगवान श्री कृष्ण कामधेनु है, उसको तजी छोड़कर छेरी को दुहावे। जो गाय सभी इच्छा पूर्ण करती हैं तो वह उन मनुष्य कामधेनु को छोड़कर शेरी यानी कि बकरी, बकरी को दुहने के लिए नहीं जाता, बकरी सभी इच्छाएं नहीं पूर्ण करती। कबीर कहते हैं कि मुंड मुंडाए हरी मिले तो सबको ले मुंडाए, बार बार मुंड दे भेड़ वैकुंठ नव जाए, भेड़ यानी कि बकरी वैकुंठ नव जाए। तो ऐसे कौन दुहावे, तो बकरी दुहने के लिए नहीं जाते। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर कर सूरदास अपने आराध्य देव मानते हैं और अपने भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर दूसरे देव की आराधना करने के लिए नहीं जाते। दूसरा पद शोभित कर नवनीत लिए, शोभित यानी कि शोभित, कर यानी कि हाथ, नवनीत यानी कि मक्खन, भगवान श्री कृष्ण के नवनीत मक्खन वाले हाथ सुशोभित अच्छे लगते हैं। घुटूरों ने चलन रेन उतना मंडित मुख दधि लेप किए, घुटूर यानी कि घुटन से चलकर भगवान श्री कृष्ण रेणु यानी कि धूल, घुटूरों ने चलने से उन्हीं की रेणु के हुई पग पैर तन यानी कि शरीर मंडित सुशोभित, उन्हीं का शरीर सुशोभित लगता है, बदन सुशोभित लगते हैं, सुंदर लगते हैं। मुख पर अपने भगवान श्री कृष्ण के मुख पर दधि यानी कि दही लेप किए, मुख पर दधि का लेप किया है, भगवान के तन सुशोभित, तन यानी कि शरीर
सुशोभित लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगता है। कुटुरुली चाल चारु कपोल, चारु यानी कि सुंदर, चारु शब्द का विरोध अर्थी होगा कुरूप, कपोल यानी कि गाल, भगवान श्री कृष्ण के गाल सुंदर लगते हैं, लोल यानी कि मस्तक, लोल मस्तक तो वह लोचन यानी कि नेत्र, नेत्र अच्छे लगते हैं। गोरोचन तिलक दिए, जब भगवान श्री कृष्ण के नेत्र अच्छे लगते हैं, कपोल गाल सुंदर लगते हैं। गोरोचन तिलक दिए, जब गोरोचन यानी कि एक प्रकार का मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, मस्तक पर तिलक करने का पीला जो द्रव्य है उस द्रव्य को कहते हैं गोरोचन, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। तो वह गोरोचन तिलक दिए, लट लटकानी मनोदत्त मधुपगन मादक, जब लट यानी कि केश की गुच्छ, केश का गुच्छ लटकानी किए मनु यानी कि मनुमत्त, मनु भगवान की तरह मत्त, एक मनुष्य की तरह मत्त, मधुपगन, मधुप यानी कि अच्छा सुंदर दिखाई देने वाला, मधुप जिन्होंने मधुप का पान किया हो, मादक मधु ही पिए, जब मादक एक प्रकार का द्रव्य मनुष्य ने पान किया है उसी तरह लगते हैं। कठुला कंठ, कठुला यानी कि गला, कंठ यानी कि गला, सुंदर गला। वज्र केहरी नख, वह भगवान श्री कृष्ण व्रज के केहरी नख जैसे, केहरी नख यानी कि सिंह की, सिंह के नाखून, केहरी इतले सिंह, नख इतले नाखून, जिस तरह केहरी सिंह के नाखून लगते हैं इसी तरह उन्हीं के नाखून दिखाई देते हैं। राजत रुचि रहिए, भगवान श्री कृष्ण राजत इतले सुशोभित लगते हैं, रुचिर अच्छे लगते हैं, ऐसे सुशोभित और अच्छे लगते हैं। धन्य सुर एक उपल यही सुख का सतकल्प जिए, सूरदास कहते हे भगवान श्री कृष्ण धन्य हैं, हे सुर एक उपल में, एक पल में जब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण जिस मनुष्य ने किया है वह एक पल में सुख प्राप्त करता है, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक पल कर पल में जब भगवान श्री कृष्ण का नाम रटे तो वह मनुष्य सुख प्राप्त करता है, सतकल्प जिए और वह सतकल्प जी सकता है, उसी यश नामना कीर्ति सतकल्प जी सकते हैं। सत्यम पर सदाचार सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम देवस्य च रूपम सर्वसत्य प्रतिष्ठितम, यानी कि सब देवता भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने में समाहित है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और वह भक्ति करने से सत्य यानी कि सो सत कल्प यानी कि 4,32,00,000 वर्ष की अवधि, 4,32,00,000 वर्ष की अवधि उसे कहते हैं कल्प, शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। वह सतकल्प जीकर वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकता है। तो यह काव्य पूर्ण होता है स्वाध्याय, एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए, बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए, हर परीक्षा में पूछा जाता है, या सूरदास अपने आप को क्यों धन्य मानते हैं तो वह भी प्रश्न, दो प्रश्नों में एक प्रश्न सभी परीक्षा में पूछा जाता है। तत्सम शब्द समानार्थी शब्द, तो यहाँ विद्यार्थी जब 7वां काव्य पूर्ण होता है स्वाध्याय यानी कि गुरु कार्य भी घर से लिखना चाहिए।